पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच गुडर ग्राहकों के लिए बना असुविधाओं का केंद्र। अपने ही पैसे निकालने के लिए लगाने पड़ते हैं 3 से 4 दिन तक बैंक के चक्कर। सैकड़ों की संख्या में हर रोज इकट्ठा होते हैं ग्राहक। कोरोना महामारी को मिल रहा खुला आमंत्रण। खनियादाना तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुडर में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक की शाखा अपने ग्राहकों के लिए असुविधाओं का केंद्र बन चुकी है। इस बैंक के ग्राहकों को अपने खाते में डली हुई राशि को निकालने के लिए लगातार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे विरले ही ग्राहक होंगे जिनको बैंकिंग सुविधा एक ही दिन में मिल पाई हो। पंजाब नेशनल बैंक गुडर के ग्राहकों का कहना है कि बैंक के कर्मचारियों का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। बैंक कर्मचारी ग्राहकों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बैंक का कोई भी छोटा सा काम भी करवाने के लिए ग्राहकों को जानबूझकर 3-4 दिन तक चक्कर लगवाए जाते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहक गुडर बैंक शाखा पर एकत्रित होते हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों की होती है, जिन्हें अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए 4-5 घंटे तक बैंक के बाहर खड़ा रहना पड़ता है। अधिक भीड़ भाड़ होने की वजह से जेब कतरे भी बैंक के बाहर घूमते रहते हैं और आने वाले ग्राहकों के कीमती सामान पर हाथ साफ कर देते हैं। बैंक के ग्राहकों ने कई बार सोशल मीडिया एवं न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई हैं, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी ग्राहकों को होने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपका अरविंद सिंह चौहान। चौहान साहब, क्या प्रॉब्लम है? आप पीएनबी के आगे 15 दिन से यहाँ पे फिर रहा हूँ, किताब चेक नहीं हो रही है, पैसा काटने की तो बात अलग है। मैं स्कूल चलाता हूँ, 300 रुपये मेरा समूह है, 300 बच्चे का, कहाँ से खाना खिलाऊंगी? ये कौन सी ब्रांच है, कहाँ की ब्रांच है? ये कूलर ब्रांच है, पंजाब ब्रांच है ये, और पंजाब नेशनल। यहाँ का कर्मचारी इतना बदमाश है, आदमी को जे देख रहा है कि आदमी एक मौत नहीं रहा है। आदमी अगर घुस रहा है तो उसको जे तो करे कि हमें तो कंप्यूटर चलाना है। आदमी कुछ भी कहता रहा है, लेकिन जो खुद काम करना नहीं चाहते हैं ये अपने मौत। और पूरा यहाँ पे 4-5 लोग हैं जो वो पूरा दलाली का काम करते हैं, टोटल दलाली का। आधार कार्ड लिंक नहीं कर रहा है, एक बार अगर आधार कार्ड लिंक करते तो 10,000 का आदमी बैंक में जाएगा नहीं। आधार कार्ड के कागज तो लेते हैं, लेकिन सब प्राप्ति नहीं देते हैं। बिल्कुल, अगर प्राप्ति दे तो उसको लिंक करना पड़ेगा, क्यों प्राप्ति देते नहीं? उनने कागज लिए वहाँ पे कचरे फेंक दिए, दूसरे दोबारा आए बोले भाई साहब कागज, हमारा आधार कार्ड, बोले कागज आप भाई को तो दे गए थे, अब आधार उनने कही प्राप्ति बताते तो उन्हें बता है कि हमने जा तारीख में कागज दिए, जा तारीख में जो दिए, तो प्राप्ति देती नहीं है, तो उन्हें क्या बताएंगे? प्रूफ तो बताएंगे। सिर्फ यहाँ का टोटल कर्मचारी है जितना, चाहे नया आ जाए 1-2 दिन तो सही चलेगा, वो 2 दिन बाद उसको जितनी भी यहाँ के 4-5 लोग हैं EBCD उनको पढ़ाई, बस बैठते हैं दिन भर बैठते, लंच का टाइम हो गया है, 15 मिनट का लंच, 1.5 घंटे में लंच करते हैं। यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था है बैंक पे? गार्ड की व्यवस्था है, एक सेल साहब है, सेल साहब वे लोग, सब लोग तो ऐसे ही है, वे तो सब एक ही लोग है, सभी की एक ही समस्या है। हाँ, सभी आज 15 दिन से आदमी यहाँ खड़ा है त्योहार मनाने के चक्कर में कि मेरे पैसे निकले आए, और मैं अगर 1,000 रुपए निकले या 2,000 रुपए तो कल मैं त्योहार की कोई व्यवस्था बना लूं। लेकिन एक आदमी भी परेशान, सब परेशान है, एक आदमी के रुपए निकलते हैं, आज 15 दिन से 1 रुपए कोई निकाल रहा है। ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सतीश कुमार दुबे है। सतीश जी, कहाँ से आए हो आप? मैं ग्राम देवपुर से आया हूँ, जो कि मैं हालांकि पैदल चल के आया हूँ देवपुर से, यहाँ पर बैंक में एक बार नहीं 50 बार आया हूँ। और ये बेचारी पब्लिक है, कई वृद्ध लोग हैं जो निस्सहाय हैं, अपंग हैं, वहाँ पर लोग अब चल नहीं सकते हैं, बैंक पर आते हैं, बैंक वाले काम नहीं करना चाहते हैं, बैंक परेशान करती है पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई देख रेख नहीं है, सरकार की गलती है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रांच खोली गई है और अदर जगह पर ब्रांच क्यों नहीं खोलती है सरकार? हम तो यह कहते हैं यहाँ की जगह और दूसरी जगह भी ब्रांच खोले तो यहाँ पर पब्लिक इतनी भीड़ नहीं लगेगी, और खनियाना में खोल दे, और भी कहीं बामोर में खोल दे, और भी कहीं भी खोल सकते हैं, पूरे इलाके की पब्लिक यहीं पर आती है, इस वजह से भीड़ भी होती है और इस वजह से काम नहीं करते हैं। इसी वजह इतना ही मेरा कहना है, कृपया हर व्यक्ति का काम हो, पब्लिक का काम हो, त्योहार का पब्लिक त्योहार का मौका है, इसलिए हर लोग परेशान हो रहे हैं, हर बुजुर्ग बच्चे जो भी इनका बैंक में खाता है वो भी परेशान हो रहे हैं, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।